एक स्टोरी से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं और आई होप कि ऑल ऑफ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट दिस स्टोरी विथ यूअर एकेडमिक जर्नी एंड ट्राई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टडी क्या रिक्वायरमेंट है आप पहले ये सोचो कि कौन से ऐसे काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल का होता है लाइक प्लेइंग यूअर फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलते हो फुटबॉल खेलते हो बहुत मजा आता है सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना मूवीज़ देखना दोस्तों के साथ बात करना न रीजन इज दैट कि उसमें किसी मोटिवेशन की क्यों नहीं जरूरत होती कभी आपने सुना कि आपके पेरेंट्स आपको ये कह रहे हैं या थोड़ा सोशल मीडिया देख ले थोड़ा फेसबुक देख ले दोस्तों ने क्या कि आप कभी नहीं बोलते वो फिर भी आप बिना किसी के बोले बड़े इंटरेस्ट के साथ उसमें टाइम स्पेंड करते हो खेलते हो क्या रीज़न है तो व्हाट आई फील कि ये सारी चीज़ों में ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको एक्साइट करते हैं जिसमें से पहला एलिमेंट है आपका इंटरेस्ट दूसरा एलिमेंट ये सारी चीज़ें बहुत एंगेजिंग है तीसरा है कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में भी आती हैं और इसमें फन भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्पोर्ट्स में टी में मूवीज़ में या सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करने में कोई टारगेट नहीं होता कि यार ये कर लेना है कोई प्रेशर नहीं होता तो इसलिए शायद इसमें इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई होता है एंड दीज थिंग्स एक्चुअली डोंट रिक्वायर एनी मोटिवेशन वेर एज अगर आपको कोई कहे कि पढ़ना शुरू करो मेहनत करना शुरू करो तो इसमें इनमें इन एलिमेंट्स में से सब चीज़ें मिसिंग होती हैं बट स्टिल वी हैव टू डू इट अब इस एलिमेंट को आप अपनी एकेडमिक जर्नी में या अपनी स्टडीज में इंक्लूड कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे ये पता चलेगा कि अब पढ़ने का अगर मन ना करे तो उस मन को कैसे चेंज करें और देखने के नजरिए को कैसे बदलें जिससे सारे प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हो जाए तो आज के इस सेशन में छोटे से सेशन में मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है कि आपके पढ़ने का मन नहीं करता उसको फाइंड आउट करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो आई हैव कि जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता ये बहुत बड़े नंबर है काफ़ी सारे टॉपर्स भी हैं उसके मेनली दो रीजंस होते हैं एक एकेडमिक रीज़न की वजह से शायद पढ़ने का मन नहीं करता है उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और एक नॉन एकेडमिक रीज़न से वजह से तो सबसे पहले हम ये समझते हैं यार एकेडमिक रीज़न क्या है तो एकेडमिक रीजन का फर्स्ट रीज़न है अनेबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कई बार हम शायद पढ़ने का हमारा इसलिए मन नहीं करता क्योंकि हम वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाते मान लेते हैं आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपको फिजिक्स ठीक से समझ नहीं आती तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो वो समझ नहीं आता तो आपका मन नहीं करेगा अब सवाल है अगर समझ ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आपके स्टडी आवर्स कम होंगे फिर तो सेम प्रॉब्लम आएगी यार हम ये कहेंगे यार पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा तो इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन है कि हमारी एक्सपेक्टेशन उस सब्जेक्ट के लिए और उसकी रियलिटी ये मैच नहीं कर रही यानी हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सारे दोस्तों के समझ आ रहा है ये ईजी है बट हमारी समझ नहीं आ रहा ये सेल्फ जजमेंट जो आप करना स्टार्ट करते हैं हम ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट हम लूज़ करते हैं तो सबसे पहली और प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट गिव एडिक्वेट टाइम और कभी ये मत समझना कि एक बार रीडिंग करने से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे सब्जेक्ट समझने लगोगे और वो कोई स्टोरी बेस्ड है और आपको मज़ा आने लगेगा फ़न होने लगेगा ऐसा कभी भी नहीं होता लेकिन अगर आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करते हो अपने दोस्तों के साथ बात करते हो उस टॉपिक को रिलेटेड या उस सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टीज़ को एज़ ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो आपको चैलेंज करेगा आपको क्रिकेट में मज़ा क्यों आता है एक तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक तरह का आप जब क्रिकेट खेलते हो तो चैलेंजेस करते हो आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो अच्छी बैटिंग करते हो तो वो आपको एनकरेज करता है ये एलिमेंट आपको उस सब्जेक्ट में भी ऐड करना पड़ेगा तो ये पहला रीज़न है एकेडमिक का जिसकी वजह से पढ़ने का मन नहीं करता द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से बच्चे इंटरेस्ट लूज करते हैं वो होता है अनेबल टू कोप अप विथ बेस होता क्या है कि मान लो आप किसी कोचिंग में जाते हो या किसी स्कूल में जाते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे होते हो तो आपके शेड्यूल फिक्स होते हैं कि इस वीक आपको एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे अब आप आपका चैप्टर कोचिंग में या स्कूल में कंप्लीट हो गया दूसरे चैप्टर पे आ गए दूसरे चैप्टर पे आ गए आपका फर्स्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ फिर वो तीसरे पे आ गए आप सेकंड के शुरुआत में थे फिर जब वो फोर्थ पे आएंगे तो शायद आप सेकंड कंप्लीट कर रहे होगे तो वो आप उस पेस के साथ जब नहीं चलोगे तो वो सिंक नहीं बैठेगा आप बोलोगे यार मैं तो पीछे रह गया और कई बच्चे उस पेस के साथ जाते तो उनके मन में ये डर रहता है यार मैं पीछे का तो भूल गया तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रजेंट टाइम की लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं जब आप उस पेस के साथ नहीं चल रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप उस टॉपिक पे उसी मोमेंट पे एक्सपर्ट बन जाओ उतनी चीजें पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो और उसके साथ रहो पिछली चीजों के ऊपर ज्यादा मत सोचो तो उससे क्या होगा कि आप उस पेस के साथ अपने आप को सिंक करोगे जो मोटिवेट करेगा आपको और पढ़ने के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कुछ बच्चों में देखा जाता है वो है स्लो लर्निंग टेंडेंसी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते कुछ देर से समझते हैं कुछ जल्दी समझते हैं तो अगर आप देर से समझते हो तब भी आप इंटरेस्ट लूज करोगे बट देर से समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको देर से समझ में आता है जल्दी समझ में आता है फर्क इससे पड़ता है कि आपको समझ में आता है कि नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जो जल्दी समझ गए कोई टॉपिक ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहा लेकिन काफी टाइम इन्वेस्ट करने के बाद चीजें समझ आई तो आप पहले से ही एक्सेप्ट कर लो कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे टाइम लगने वाला है तो आप वो टाइम स्पेंड करो देखना आपके समझ में आना स्टार्ट होगा और फोर्थ एकेडमिक का लास्ट रीजन क्या है पीर प्रेशर एंड बैड कंपनी पीर प्रेशर का मतलब या तो आपके दोस्त आपको ये कह रहे हैं यार मैं तो ये समझ में आ गया तुझे नहीं हुआ ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिए तेरे से नहीं हुआ ये एक्सरसाइज तो मैंने सारी अब तक सॉल्व कर ली तो अभी तक ये नहीं कर पाया या फिर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको कह रहे हैं कि चल यार आज तो क्रिकेट खेल लेते हैं कल देख लेंगे तो दोनों तरह के दोस्त आपको मिलेंगे तो पीर प्रेशर बैड कंपनीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एकेडमिक जर्नी तो कोशिश ये करो कि ऐसे दोस्तों के साथ आप ऐसे दोस्त बनाओ या ऐसे बच्चों के साथ रहो जो आपको हर वक्त मोटिवेट करे टू वार्ड्स योर लर्निंग जो आपके इस जर्नी में आपका साथ दें ये ना बोलें कि यार ये भी नहीं हो रहा या ये भी ना बोलें कि अब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं यार आई तो बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्जाम है या हमारा कॉम्पिटिशन तो बहुत ही ज़्यादा है इसको करने की ज़रूरत नहीं अभी इस पर ध्यान दे देते हैं या कोई ये कहे कि अभी पढ़ने की क्या जरूरत तो है अभी तो टाइम है सो अवॉइड सच फ्रेंड्स तो अगर आपने चार चीज़ें की तो कम से कम एकेडमिक रीजन वाली जो लड़ाई है वो तो आप जीत जाओगे दूसरा जो नॉन एकेडमिक रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता वो बेसिकली दो तरह के होते हैं और आपने भी ये फील किया होगा और फेस भी किया होगा पहला होता है लैक ऑफ मोटिवेशन दैट मीन्स आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई बड़ा मोटिवेशन ही नहीं है अगर मोटिवेशन ही बड़ा नहीं है तो शायद जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतना आप करोगे नहीं फिर यही बात आएगी कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोटिवेशन रिक्वायर्ड सर्टन रीजन सो फाइंड यूर रीजन मोटिवेट यूर सेल्फ बिफोर स्टार्ट योर प्रिपरेशन और सेकेंड चीज क्या होती है कुछ बच्चों में यह देखा जाता है टू मच प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म वेल इसका मतलब क्या आपने अप, अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी है और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको अच्छे परफॉर्म करने का काफी प्रेशर है तो वो प्रेशर एक्चुअली स्ट्रेस जनरेट करता है और उस स्ट्रेस में कभी पढ़ाई नहीं होती तो अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप मत होने दो अपना काम ईमानदारी से करो इनरेस्पेक्टिव के रिजल्ट कैसे आए कितना टाइम लगे तो अगर आपने दो चीजें कर ली तो मुझे लगता है ये जो फैक्टर है ना कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा वो जरूर दूर होगा तो ये दो रीजन है आप अपने रीजन को फाइंड आउट करो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो आप समझते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करने से शायद आपके पढ़ने की इंटेंसिटी आपके पढ़ने का मन जरूर करेगा सो आई विल गिव यू फाइव टिप्स विच इंक्रीज यूर स्टडी आवर्स एंड स्टडी एक्सपीरियंस ऑल्सो फर्स्ट इज टू मच कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस एन एग्जाइटी विच कैन टेक अवे यूर फोकस डूइंग वेल फॉर यूर सेल्फ मतलब क्या हुआ कई बार आप अपने मन में ये कॉम्पिटिशन को बहुत बड़ा बना देते हो तो अगर कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है और आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कॉम्पटिशन है आपके रिलेटिव्स के साथ आपका कॉम्पटिशन है और दूसरे प्लेटफॉर्म में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन है वो तो आपको सक्सेसफुल की तरफ नहीं ले जाएगा बल्कि आपकी एनेज्जाइटी को इंक्रीज़ करेगा तो ऐसा बिल्कुल मत होने देना आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपके साथ है आप जितना आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है आप उसको अचीव करने की कोशिश करो कोई दूसरा क्या कर रहा है किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको भूल जाओ सेकेंड थिंग राइट डाउन वट यू डू एंड डोंट लाइक क्या आपको टॉपिक पसंद है कौन से आपके सब्जेक्ट पसंद है आप ये लिखो जो नहीं पसंद है उसको लिखो और उसके ऊपर सेपरेटली काम करना स्टार्ट करो थर्ड टॉक टू your पेरेंट्स अबाउट योर एकेडमिक्स आप अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों से अपने ब्रदर सिस्टर से बात करो कि ये टॉपिक आज मेरा हो गया ये मेरा वीक एरिया है यह मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है इ की आपको कैसे सजेशंस मिलते हैं कोई हेल्प मिलती है नहीं मिलती है लेकिन बोलो जरूर इससे काफी प्रेशर आपका रिड्यूस होगा फोर्थ वन इज एस्टैब्लिश ए सेट रूटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो रोज जल्दी उठो लेट नाइट अगर आपके पढ़ने की हैबिट है तो रोज करो एटलीस्ट ट्वेंटी डेज तक किसी एक शेड्यूल पे स्टिक रहो रिजल्ट के बारे में सोचे बिना फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ब्रेक द लार्ज टास्क इन टू स्मॉलर वन जब एक दिन में आप टारगेट सेट करते हो कोई बहुत बड़ा टारगेट मत सेट करो उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लो इस फर्स्ट आवर में ये पढ़ लूंगा इस सेकेंड आवर में ये पढ़ लूंगा ये थर्ड आवर में पढ़ लूंगा ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके जो मैंने इससे पहले वाला पॉइंट बताया था एस्टैब्लिश सेट रूटीन उसमें फिट होता है तो अगर ये पाँच टिप्स आप फॉलो करो अपने रीजनस को आइडेंटिफाई करोगे क्यों पढ़ने का मन नहीं करता और इन दोनों के ऊपर काम करो करना तो जरूरी है तो मुझे लगता है आपके स्टडी आवर्स भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ने का मन भी करने लगेगा तो आई होप ये सारी बातें आपकी समझ आई होंगी और अब आप इसको जरूर फॉलो करोगे थैंक यू